बहराइच के नानपारा में एक युवक पर बाइक सवार हमलावर धारदार हथियार से हमला करके मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। सूत्रों की अगर माने तो हमलावरों के दौरान नानपारा के राकेश टाकीज के पास युवक को दौड़ा दौड़ा कर धारदार हथियार से मारा गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा युवक को गंभीर बताते हुए लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नानपारा के मुख्य बाजार का है, जहां की पुरानी बाजार में रहने वाले एक युवक पर बाइक सवार हमलावर के द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। जब युवक अपने आप को बचाने के लिए भागा तो उसका पीछा करके उस पर चाकुओं से कई बार वार किया गया। जब युवक जमीन पर गिर गया तो उसके बाद हमलावरों के द्वारा उसे छोड़कर वहां से फरार हो जाया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जब पुलिस को सूचना मिली तो आनन फानन में पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को इलाज के लिए नानपारा के अस्पताल में पहुंचाया, जहां नानपारा अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा घायल युवक को गंभीर बताते हुए बहराइच के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन यहां भी डॉक्टरों के द्वारा युवक की हालत को गंभीर बताते हुए उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नानपारा के कोतवाली नगर में स्थित राकेश टाकीज के नजदीक सोमवार की देर शाम बाइक सवार हमलावर पहुंचे। हमलावरों के द्वारा धारदार हथियार से पैदल जा रहे नानपारा नगर के बावर्ची टोला के निवासी शेखू पर हमला कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि युवक निजी काम से घर से कुछ ही दूरी पर गया था, जिसके बाद यह घटना घटित हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। हमलावरों के मुंह पर मास्क लगाए जाने की बात चर्चा में आ रही है। घटना के पीछे लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दिया गया। वहीं घटना के बाद आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। बहराइच जिले से न्यूज एडिट यूपी के लिए रेहान कादरी की रिपोर्ट। आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है, किन लोगों ने किया है, क्या मामला है? मामला समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। क्या नाम है आपके भाई का? शेखू। कहाँ गए थे ये? राकेश घर से निकले थे, राकेश टाकीज जा रहे थे, वहीं पर उनके ऊपर हमला हुआ। कहाँ पे हुआ है हमला? राकेश टाकीज के पास। राकेश टाकीज के? कितने लोग थे? पता नहीं चल पाया। रेफर कैसे आया था? शेखू नाम के बंदे का, काफ़ी सीवियरली इंजर्ड था वो, और उसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था सारा उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करवा के उस पेशेंट को हमने तत्काल लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। हालत उसकी क्या बताई जा रही है? हालत उसकी काफ़ी गंभीर थी। उसके चोटों के निशान कहाँ कहाँ पे हैं और क्या स्थिति है उसकी? उसके चोटों के निशान मोस्ट ऑफ चेहरे पे हैं, गर्दन पे हैं कहीं पे, और बाकी सब पीछे हिस्से में हैं। अच्छा, परिजनों ने कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ था, कैसे चोट लगी? परिजनों ने यह बताया कि कहीं मारपीट हुई थी, किसी ने उन्हें मारा वारा है, बाकी भाई उसके बारे में तो डिटेल हमें नहीं पता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @newsedityupi।